अच्छा मुस्तफा भाई, सेगमेंट शो इस तरह का है कि हम जो है वो दूसरों के काम पे उंगलियां उठाएंगे। कुछ मशहूर क्लासिक फिल्मों की स्टोरीज जो हैप्पी एंडिंग में खत्म हुई हैं, हम ये हाँ सोचेंगे और डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे कि भाई इन कहानियों का आगे क्या हुआ होगा। फिल्म 1995 में रिलीज हुई, इस फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का रिव्यू नहीं करना, ये फिल्म सबने देखी, हजारों रिव्यू हो चुके हैं मुस्तफा भाई, मगर हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो शाहरुख खान, वो काजोल, उनके अब्बू अमरीश भाई, उनकी बीवी, उनके जो दोस्त थे जिनके घर वो रह रहे थे उस वक्त जब उनकी बेटी किसी और के साथ चली गई, वो लोग अब क्या कर रहे होंगे? कर क्या रहे, आप क्या, आपको क्या लगता है क्या कर रहे हैं? मुझे अभी देखिए, जिस हिसाब से उन्होंने दिखाया था ना राज के अब्बू को, अनुपम को, अनुपम जब इंग्लैंड में रह रहा था तो वो बहुत ही बड़े किले में रह रहा था, महल में रह रहा था ठीक है, हाँ अनुपम, घर बड़ा था, घर तो बड़ा था घर उसका, बड़ा था और गाड़ियां भी सुपर कार्स थी यार, वो लैम्बोर्गिनी में तो आता है पहले दिन घर पे शाहरुख सिमरन स्टेलोन वाले को। मिडिल क्लास थे भाई, सिमरन वाले मिडिल क्लास हाँ सिमरन वाले, अच्छा ये दिखाया गया सिमरन वाले मिडिल क्लास तो दिखाए, मगर थे। ये नहीं बताया कि इक्लोजर नहीं मिलता ना स्टोरीज में। और एक और भी चीज था कि वो बहुत ज्यादा जो है वो बन गए थे, मशरकी सीन आ गया था, ईस्टर्न सीन आ गया था, लेकिन शुरू में गाने में जो लगे वो नाचिए ना भाई, यही होता है, ये दबाव, जितना दबाओगे ना हाँ आप, दबाओ नहीं, मतलब अंग्रेज तौलिया पहन के बारिश, मतलब ये भी आया, ये आया मुझे याद है। लड़की ने हमारी तरफ पीट करके दो एक बार तौलिया को रिस्क भी लिया, तौलिया से सही तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसके चक्कर में कई लोगों ने जैसी ही होती वो पीछे की तरफ जाके देखने की कोशिश की है सिनेमा के। अच्छा अब बात आती है शाहरुख के अब्बू के, राज के अब्बू पे। अब राज के अब्बू जो थे अनुपम, वो अपना बता रहे थे कि भाई बेटा जब फेल होता है तो वो खुश होते हैं कि भाई तुम्हारे दादा भी फेल हुए, मेरे अब्बू भी फेल हुए, उनके अब्बू भी फेल हुए, तो पता ये कूल करना टाइप है आदमी कि था। इतना काम, इतना बड़ा घर कैसे आया इनके पास, इनका जरिया मुआश क्या था, इनके पास मनी ट्रेल कहाँ है इनके पास, अब बताओ। तो आपको करना पड़ता है भाई, आपको बताना पड़ता है ये कहां से है। और उस वक्त एटीएम थे उस दौर में, एटीएम मशीनें भी नहीं थी है ना, या एटीएम थी? मशीन में थी, कैश, अनुपम कैश पे था, टोटल कैश पे काम था अनुपम का, हाँ टोटल कैश का काम। कैश का काम था अनुपम का। तो मैंने सुना यह है कि क्योंकि अयाशी में थे दोनों बाप बेटा राज और अनुपम, तो ये इन लोगों का फिर बहुत लॉस हुआ, ये लोग फिर ये वहां से वो महल वेल छोड़ के हारून रॉयल सिटी जौहर में शिफ्ट हो गए, इधर आए आए ये लोग बिल्कुल जौहर, आए जौहर में शिफ्ट हुए हारून में, वो भी पांचवे फ्लोर का घर मिला इन्हें, ग्राउंड फ्लोर का तो सर। मिला नहीं। दूसरा ये कि ये लोगों को बताना था लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था। राज हारून वाली सिटी में राज ने बताया कि यार हम लोग ना पहले बहुत टाइट थे, अमीर लोग थे, कोई यकीन नहीं कर रहा था। ये तो होता है, ये तो था, लेकिन बेचारे फिर सुनने में आया अनुपम ने लेथ मशीन डाल दी, लेथ मशीन लेथ मशीन का बहुत काम किया है साथ में। बहुत काम किया ऐसा, ये इनका स्पेशल स्पेशलिटी थी कि ये जो नहीं होती ब्रेक प्लेट्स होती हैं छोटी गाड़ियों की, वो रवा करते थे उस लेथ, ये इनका लेकिन कावा। ये बानवे के बाद, ये उसके बाद से जब ये दौर आया ना, दौर आया जब, तो ये वाटर छियानवे के बोर्ड का ऑपरेशन, भी, हाँ छियानवे के ऑपरेशन के बाद वाटर बोर्ड का भी इनका हो गया था, वाटर बोर्ड पे चले गए थे, ये चल रहे थे वाटर बोर्ड, अंग्रेज तो चला गया। अच्छा सुनने में ही आया है कि इंतकाल से एक दिन पहले बिल्कुल ठीक थे। शौक लगा इनको क्योंकि इन्होंने उस वक्त तो कह दिया कि बेटी जा तुझे ये मोहब्बत दे देगा, तुझे किसी से प्यारा नहीं हाँ। मिल सकता, ठीक है। बाद में होने शुरू हो गई गांव में बातें, कि भाग गई शादी, घर से भाग गई। और एक आदमी जो इंग्लिस्तान जैसी जगह पे रहते हुए भी एक कितना ईस्टर्न हो वो ये नहीं बर्दाश्त कर सका भाई, और छोटी रिश्ते आना बंद हो गए भाई। हाँ अब भाई लोग जितने मुंह उतनी बातें, कई लोगों को तो मैंने ये कहते सुना है बेटी खा गई बाप को, और ये देखो अनुपम नहीं आया जनाजे पे जबकि उनका बनता था यार, समझी थे लोग ये मैं। कह रहे थे कि अगर इनकी प्रॉपर शादी होगी ना तो मूवी पे पड़ना होगा, अभी किसी ने खाने का नहीं पूछा। अच्छा दूसरा ये भी तो होगा कि कई लोगों ने ये भी कहा सस्ते में निपटा दी अमरीश ने, सस्ते में निपटा दी, सही, अच्छा कई सस्ते में लोगों ने निपटा ना अनुपम खेर पे इल्जाम भी लगाया कि वो फूफी जो थी ना, एक जो कपड़े देखती थी वो दी, उन पे इजी, लाइन मारी है हाँ वो क्योंकि अनुपम फूफी ने। कह रही है, मना नहीं कर रही थी फूफी ने किसी को। अच्छा पुप्पी सब पे लाइन मार रही थी, वो शाहरुख पे भी मर रही थी कुछ अरसे तक। फूफी जो है ना वो कह रही है कि वो दुआ बहुत दे रही थी, कह रही है बेटा दुआ तो मतलब एनी टाइम कोई भी आ जाए, उनका ये सीन था। हालांकि वो लड़का शरीफ था जिसने, जो भाई शिकार कर रहे हैं ना, दुनिया में शिकार लीगल है, कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। इतना बड़ा लड़का अपनी अम्मी अब्बू की मर्जी से शादी कर रहा है, वो जो था वो कुलजीत, वो राइट था बॉस, वो राइट था। वो राइट था और उसको गुस्सा उसका लाजिम था। आप ये देखो ना यार, शादी के घर में आप टिके हुए हो, छुप छुप के किसी की होने वाली बीवी से आप छतों पे भी मिल रहे हो, हाँ ठीक है, फिर बिल्कुल आप से और फिर आखिर में आप ये कह रहे हो नहीं सिमरन शादी तो उनकी मर्जी से ही करेंगे। अबे भाई ये कैसी शराफत हुई भाई आप कर लिया जब टोपी आई तो नहीं, मतलब इस्तखारे वाली कहानी हो गई। यार। अक्सर ही होता है लड़कों की ना मोहब्बत जब तक रहती है, जब तक
लड़की पकड़ाई अग्री होगी। नहीं कर जाती शादी के लिए, जैसे ही वो अग्री कर जाती है लौंडे बोलते हैं अभी तो वो जल्दी अग्री कर गई, फिर बदल जाती है, वही था राजकीय। वो और लड़का इसका हालांकि उसने सिंपल ओरेकल किया हुआ था, उस लड़के ने ओरेकल किया था, उसके 3 माह किसी वो ने सऊदी अरब में थे, ठीक है, वो आज यहाँ नहीं कल नहीं सऊदी अरब में उसको सेट कर देते भाई। आराम से लाल होने वाली वाले दूरबीने नहीं आती थी, वो भेजते थे उसको मामू उसके उस दौर में। वहां पे, उस दौर में उसको सहगा दिलाया मामू ने, उनके सऊदी वाले मामू ने। जी ये जू सेट पे ही खुश थे भाई, उसके पास क्या कुछ नहीं था उस दौर में। सिमरन की अम्मी का भी बड़ा करेक्टर है भाई। सिमरन की वाला ने यकीन करो पाई पाई जोड़ के पकड़ाया इनको, क्योंकि वालिद साहब तो गुस्से के तेज थे, वो तो जल्दी दुकान बंद करके आते थे, क्योंकि शराब अरे बेचने का टाइम ही मगरब के बाद था उस टाइम, तो वो हाँ, खत्म कर रहे थे। और उस टाइम बंद कर रहे थे, जिस टाइम लौंडे आ हाँ रहे उस टाइम वो दुकान बंद करके जा रहे हैं, और बिक क्या रही है टैबलेटें सर दर्द की, ये बेच हाँ रहे हैं सर वो। दर्द की बेच रहा है, बताओ यार भाई तेरे को शराब बेचने पे इतना ऐतराज है, तूने रखी क्यों है, सही बात है। आप फंटा रखी ही क्यों बेचते रहो, फंटा टाफियां बेचते रहो भाई, भाई, ये बेचते रहो तुम, कराते रहो हॉक्स की नीचे से हॉक्स वाली बेचो। हाँ हॉक्स बेचो, अभी भी 1 रुपए की दो आ रही हो, मुझे और लगता ये है भाई हाँ इन्होंने लाइटर भी नहीं रखे हुए थे, बहुत सिगरेटें थी साथ, एक रस्सी नहीं जलनी होती वहीं से जला दो, रस्सी वाला सीन था ये इनके स्टोर में। इस बंदे का कारोबार चलना ही नहीं था मुझसे भाई, ये शुरू से ऐसा था, और ये अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ना अपनी बेटियों और बीवी पे जुल्म कर रहा था, और कुछ नहीं था, टोटल ये जी था इंग्लैंड असल में देखो इंडिया से ये गए ना वहां पे, अब हमारा का। इंडिया पाकिस्तान का एक ट्रेंड है, वो इन्होंने वहां पर, अब इनको स्टोर तो मिल गया, जो गोरा आ रहा है ना खुले पैसे बच रहे हैं, तो खुले पैसों की जगह ना उसको टॉफियां दे दें। एक और करेक्टर था दादी अम्मा। यार दादी अम्मा वाहिद है जो कोरोना में भी बची है, पता है। अच्छा ये हाँ दादी को क्या फर्क पड़ रहा है, आप मुझे बताओ, मरती भी खातून है। पहले उन्होंने शादी की जल्दी की हाँ सर, वो होनी थी पीर छोड़ के 3 दिन बाद, पीर समझे, पीर छोड़ के 3 दिन बाद होनी थी, छोड़ इन्होंने के कहा 3 दिन जल्दी बाद, करो। हाँ वाले साहब का भी कसूर नहीं है, उन्होंने कहा आए हैं यहाँ पर माजी का आखिरी नमाज है, कर लो मामला। बाद में अच्छा वो भी कह रही है कि नहीं खुश नहीं है और यूं नहीं है, और हाँ खुश सिमरन नहीं, तू खुश प्यार तो किसी है और नहीं, से कर दे। अच्छा क्यों डाल रहा है ना दादी को, हाँ मुझे खुश नहीं लग रही, खुश तो है ना भाई, क्या हाँ सवाल है, खुश तो है, क्यों पूछ रही अबे हो, भाई क्यों इस एनर्जी तरह दे की रही दादियां होती है ना, जो इनसे पूछो कि आपकी तबीयत कैसी है, कहती है बिल्कुल ठीक, अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है आप, कोई मसला नहीं है, फिर उनको याद आता है बेटा ये तो जगह है इधर दर्द हो रहा हाँ है, ये हो रहा ये है, था खांसी हो रही है। सर हाँ, इन्होंने मुझे सारा 16 के नाम से प्रोफाइल बनाई हुई है लड़कों दादी ने से, हाँ उल्टा सीधे लड़कों से तस्वीरें मंगा, लड़कों से कह रही है देख के डिलीट कर दूंगी, आप क्या समझ रहे हो उनको, आप क्या समझ रहे हो। अच्छा मुस्तफा भाई, ट्रेन निकली उस स्टेशन से, ठीक उस है स्टेशन से निकली, कुछ अखबारों में उससे खबर आई पहले थी, झगड़े ये सारा कुछ हुआ, हाथ बुलाया सारा कुछ हो गया। हाथ छोड़ना बैठना। अच्छा ये ट्रेन निकली है, ये वहां से निकली आगे खाने वाले में, वहां पे धरना हो रहा। उससे पहले भजन इंजन अलग बदला है, अच्छा हाँ रोड़ी पे इंजन इंजन अलग, बदला। खरामा हाँ खरामा गई है। अच्छा बाथरूम खराब, ट्रेन के बाथरूम बिल्कुल नहीं चल रहे, ओए होए, क्योंकि लोटा किसी ट्रेन में नहीं आज तक, सही है लोटा नहीं, और ऊपर से इतना छोटा 2x2 का बाथरूम, और सिमरन पूरा लहंगा लेकर मौजूद, और पूरा जो वो लहंगा, वाला एरिया होता है ना टॉयलेट वाला या वॉशरूम वाला, उधर अलग लोग जमीन पे बैठे हुए होते हैं, यू उधर देख रहे हाँ होते उधर हैं। बैठे हुए, और उधर बैठे हुए, अब वो समझ में नहीं आ रहा सिमरन को कि भाई क्या करे, लहंगा उठाए, लोग उठाए, बाथरूम में जाए, क्या क्या और करे एक और मसला भी था लव स्टोरी के क्या। अंदर, आपने देख अगर देखा हो तो इनकी आपस की कम्युनिकेशन कम हुई है, इस तरह की तो बातें ही नहीं हुई थी, शर्म अलग आया उसको। शर्म अलग है, हाँ रोमांस तो हुआ ही नहीं, रोमांस तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, दूर दूर रखा है इन लोगों ने, मतलब वो तो शर्म अलग इतनी है, कंजर्वेटिव फैमिली की थी कि मतलब समझ रहे हाथ भी कि हाथ भी कहाँ, अलग, खुद कहाँ पूछ रहे कि हाथ क्यों धो रही हो, कहाँ से आ रही हो, से आ रही, कहाँ मतलब की जरूरत पड़ी वो तुम्हारे। हाँ ट्रेन जा रही है, अब मुझे एक बात बताओ, वो ट्रेन जा रही है, सब बैठे होंगे ट्रेन में, वो लग भी लोकल ट्रेन रही है, एसी स्लीपर तो लग नहीं रही, वो गर्मियों सही का बात जमाना भी है, पूरी ट्रेन में कोई जैकेट नहीं पहना, कोई स्वेटर नहीं पहना, ये राज को इतनी सर्दी क्यों लगती है, वो हर सीन में जैकेट क्यों पहना है, मुझे आप अभी बताओ, ये उसको ये इतनी पॉइंट है सर्दी, ठंडा कमजोर है ना यार, कमजोर है, गलत हरकत में पला रहा है, भाईजान, इसको कहते हैं मांझा ढीला है, इसका मान इसका मजा डूबा, मांझा इसका ढीला है, मजा डूबा, आप आज ये कर रहे हो आप तो आप कैसे कर पाओगे भाईजान अगले, आप जमाने जिंदगी है एक पता नहीं क्या कुछ आगे। हाँ, सीन ही नहीं है, सीन ही नहीं, पहली शादी ऐसी हुई है भाईजान जिसमें इंक्वायरी नहीं हुई, ना लड़के की हुई है ना लड़की की हुई है। और ये देखो ना भाई आज तक औलाद नहीं हुई यार, हम तो बोलते नहीं ये बातें, हम तो बोलते नहीं बातें मुस्तफा भाई, हम तो रुक जाते हैं ऐसी बातों पे, लेकिन हुई नहीं है, क्या करें हम, भाईजान और क्या कुछ ही नहीं भाई, क्या कुछ मशवरे नहीं दिए, क्या नहीं दिए होंगे आप बताओ, क्या नहीं दिए होंगे, पान के पत्ते के साथ अच्छा लगा के कि मतलब कैंट का कुल्ली नहीं, वो सारी चीजें दी है भाईजान। अबे अजीब अजीब बातें कर रहा था, कह रहे क्यों कह रहे, मैंने कहा भाई नस्ल बढ़ती है, तो कह रहे डायनासोर थोड़ी है। सच बताऊं मुस्तफा भाई, ना आपकी ना मेरी फिर से रिस्क मेरे हाथ में,
ठीक है ठीक है है। भाईजान, जमीन पे हाथ लगा गई। जमीन पे हाथ लगा लिया, कुलजीत होता ना, कुलजीत होता ना, पांच बच्चे हाँ खड़े कर दिए, पांच बच्चे खड़े कर दिए थे भाई। हाँ कुलजीत जो था आपको मैं बताऊं कि कुलजीत ने भाई इसको वो भी लाके दिए, पहाड़ों का पसीना है भाईजन, थोड़ा सा लगाने सुरखाना है दूध में डाल के। इसको बहुत कुछ लागे, इसको कहा भी तू आराम कर भाई, तू ये ताकत वाली चीजें खा, कोई अपना लस्सी पी, कबाब खा, इसका ध्यान ही नहीं है औरतों बच्चियों में लगा रहा है, इसका काम ही यही है राज का और हीरो बनना है बस, बस हीरो भाई। बनना है, उनके दिल हमारे में जगह करनी है। ऐसे लड़कों से जौहर में हर पत्थर उठाओ दो लड़के यही मिलते हैं, इसी एटीट्यूड का लड़का मिल रहा है जौहर में, राज एटीट्यूड का, राज सर शाहरुख नीपा से अगर आप यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करें ना, समझ गया हूं मैं। इतना शाहरुख है इस वक्त, इतना शाहरुख है आपकी सोच। अच्छा सारा शाहरुख है वहां पर, ठीक है। अब आप वो शाहरुख चला जाए रिश्ता लेने के लिए तो उसको रिश्ता नहीं मिलेगा, उसको रिश्ता नहीं मिलेगा, कोई बाप उसको अपनी नहीं बेटी मिला। का हाथ नहीं हाँ छोड़ेगा, तू जा हाँ बेटा हाँ इसके साथ जिंदगी नहीं। लेकिन सही वो बात। राज को, और कुलजीत पढ़ा लिखा भी लग रहा है, अमीर बाप का भी है, शिकार भी कर रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, हाँ सही सर है, लग सीन रहा है ऑन है कि बॉय का, बॉय का नहीं सीन नहीं ऑन है उसका। नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होता इस तरह, हमारे अच्छा नहीं समझ जाता इसको और फिर यार भाई। आप देखो, आप आ रहे हो लेडीजों में घुस रहे हो, आप लेडीजों में बहुत गुस्सा है ये शाहरुख। घुसते ही ना पप्पो छोड़ी ना खाला छोड़ी, अच्छा चलो अपनी तो हाँ बच्ची आप सेट कर ही रहे हो, अपनी बच्ची आप सेट कर रहे हो, आप दूसरे घर में भी हाँ आश्रय दे रहे हो यार। जी। और कुलजीत की जो मैं बताऊं, कुलजीत लोगों को पता नहीं चली ये बात, यकीन करो जो आखिर क्या, अंकल है ना वो, उसकी लाश पड़ी होती है वहां पे। हाँ अरे हाँ वो बहुत हाँ सख्त अंकल हैं, वो बहुत लोग सख्त अंकल हैं यार सही। ये लोग, नहीं बहुत सख्त अंकल हैं, वो रिलीजियस फैमिली थी यार वो लोग। जी। मुस्तफा भाई इसी के साथ हमारे पहले सेगमेंट का इख्तिताम होता है, मेरे ख्याल से हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक मंतकी अंजाम और या तो उसका खाका एक तैयार कर दिया। हो गया।